हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो कल परसों आने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि तीन ऐसे मुद्दों के ऊपर जिसके ऊपर जनता तो आज जवाब ना मिलने में बहुत ही दुखित है। एक है कि यूपीए 2 जब से आए हैं करप्शन के ऊपर तो इतना सीरीज लगाते जा रहे हैं जैसे टेलीविजन सीरियल आ रही है। दूसरे, हम सब को मालूम है कि प्राइस राइज, महंगाई की वजह से आम आदमी तो बार बार बोलते जा रहा मगर कुछ जवाब नहीं आ रहा, इसीलिए कम से कम एक रिपोर्ट आए। तीसरी, पिछले 10 दिन से इतना सीरियस लापरवाही की उदाहरण आ रही है, मोस्ट वांटेड लिस्ट हो या तो कोपन हो, ये हेगन जा रहे हैं एक्सपायर्ड एक्सट्रेडिशन नोटिस के साथ। देश का लड़ाई जो करप्शन के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ हो रही है, इन दोनों विषयों में भी हाफ हार्टेड, मन पूरे मन और दिल लगा के उनका लड़ाई नहीं हो रही है, इसमें इतना लापरवाही ही दिखाई दे रही है। इसीलिए इन तीन मुद्दे के ऊपर जनता इनसे, इनके रिपोर्ट कार्ड में क्या आ रहे हैं ऐसे सोचकर बैठे हैं। हम भी इन तीनों विषयों के ऊपर क्या बोलने वाले हैं यूपीए सरकार, इस इंतज़ार में बैठे हैं। वैसे हमारे तरफ से कुछ इसके ऊपर बोलना है तो पिछले 2 साल के यादगार जनता के आज स्वतंत्र भारत देश में यही रहेगी, ये तीन मुद्दे जो मैंने बोला। और इसके अलावा 3 MPs हैं तिहाड़ जेल में, 1 मंत्री है वो भी तिहाड़ में। याद इसीलिए रहेगी कि कभी नहीं हुआ ऐसे, प्राइम मिनिस्टर भी सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिटर्न अफिडेविट दाखिल करना पड़ा घोटाले के मामले में और CVC के मामले में। इसीलिए लगता है कि इस गवर्नमेंट हमें डायरेक्शनलेस लग रही है, पता नहीं कहाँ भारत देश को लेके जा रहे हैं। और अगर उनको लीडरशिप की कमी है वो तो नहीं होना चाहिए, ऐसे इतना एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड क्लीन इमेज वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ इन तीन मुद्दे में उनका एफिशिएंसी दिखाई नहीं दे रही। सो इंतज़ार करेंगे कल के रिपोर्ट के। दूजी मामले में भी कनिमोजी भी जेल के अंदर उनको ही भेजा गया है, जबकि दयाल मोहम्मद जिनका काफ़ी ज़्यादा शेयर है वो भी बाहर है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या कांग्रेस की चालों पर ये सब हो रहा है कि कनिमोजी अंदर गई, दयाल मोहम्मद को भी छोड़ा गया है, या कि फिर CBI जानबूझ करके ऐसी लापरवाही बरत रही है? नहीं, हम तो इसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करेंगे। बिल्कुल ये मालूम है कि CBI आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में चल रही है और आज इस हद तक वो केस पहुंचा है कि इसलिए पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में हो रही है, नहीं तो और सुप्रीम कोर्ट में दायरे में जा रही है। और ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया, ये सब इतना निगरानी रख रहे हैं इसके ऊपर, इतने दूर तक पहुंचने का क्रेडिट ऑपोजिशन पार्टीज़, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। मगर इसमें एक और विषय है, इतना एक पूरे विंटर सेशन को नुकसान हुआ और उसके बाद JPC आया, ऐसे PAC में उनके कंट्रीब्यूशन, ये सब विषय चर्चे में आना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिमिनल साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो ठीक है, आगे बढ़ेगी। CBI को बार बार पूछताछ करेंगे, उनसे जवाब लेंगे, इसीलिए वो एक रास्ते पे आएगा। मगर JPC के द्वारा जो हम करना चाह रहे थे कि प्रोसीजर में क्या कमी हुई है और जो चेक्स एंड बैलेंसेस है सिस्टम में उसको कहाँ कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, ये सब विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और संसद में इसमें एक रिपोर्ट आना ज़रूरी है। इसीलिए वो JPC में भी कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव रूप में भागीदारी लेना है। UPA सरकार वहाँ से प्रतिहीन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो उससे भ्रष्टाचारी हैं उनको अंदर करा रहे हैं, दूसरी तरफ जो PAC की रिपोर्ट आई उसका जिस तरह से विरोध किया गया, तो ऐसे में देख करके आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सिर्फ दिखावा करती है? नहीं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी डिफेंसिव में है, क्योंकि उनके UPA 2 के ज़माने में ही इतने सारे घोटाले हुए और मीडिया और सुप्रीम कोर्ट और अपोजिशन लीडर्स के दबाव इतना ज़ोरदार रहने में ही कुछ ना कुछ एक्शन हो रही है। मगर एक्शन इसलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है एक्शन। मगर अब तो कांग्रेस का अगर सचमुच कमिटमेंट है करप्शन के खिलाफ लड़ाने के लिए, वो JPC में कम से कम पॉजिटिव तरीके में भाग लेना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव रूप में नहीं। एक सवाल और, जब UPA 1 का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था अगर UPA 2 आती है तो 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, पेट्रोल के दाम 9 महीने में 9 बार बढ़ चुके हैं,
तो इस पर क्या कहना है सरकार? ये 100 दिन का प्रॉमिस में तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो फुलफिल नहीं हुआ। महिला बिल कहाँ है? 100 दिन के प्रॉमिस में बहुत सारे विषय हैं, वो कल देखेंगे उनके रिपोर्ट में उसका जवाब क्या देने वाले हैं।